आज हम सेक्शन बी का चैप्टर फूड फीडिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं फूड क्या होता है फूड वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस या मटेरियल्स होते हैं जिनसे एनर्जी प्राप्त होती है तो फूड जो होता है वो क्यों आवश्यक है उसके क्या फंक्शंस हैं तो फूड सोर्स है एनर्जी का जो कि हमारे सेल्स के वाइटल प्रोसेसेस के लिए आवश्यक होता है फूड जो होता है वो नेसेसरी सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है रिपेयर के लिए और प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए प्रोटोप्लाज्म की रिपेयर और फॉर्मेशन के लिए असेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है फूड जो होता है वो शरीर में चलने वाली उपापचन क्रियाएं जो होती हैं उनको रेगुलेट करता है तो ये फूड की आवश्यकता है कि फ़ूड क्यों जरूरी है अब फूड या न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को हम उनके कार्य के आधार पर या उनके फंक्शंस के आधार पर हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं सबसे पहले है एनर्जी सोर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स जो कि एनर्जी देते हैं दूसरा है कार्बन सोर्स क्योंकि हम देखते हैं हमारे शरीर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है तो कार्बन भी जो है वो हमें खाने से मिलता है नाइट्रोजन का सोर्स तो नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हमें खाने से मिलते हैं और वो उनसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स एंजाइम्स को कोर फैक्टर्स हॉर्मोन्स ये सब खाने से ही हमें प्राप्त होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि विटामिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जो शरीर में नहीं बनते हैं वो भी हमें खाने से मिलते हैं मिनरल सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन है आयोडीन है कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर सोडियम पोटैशियम फॉस्फेट सल्फर ये सभी हमें खाने से मिलते हैं इसके बाद पानी हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो नाइन्टी फर्स्ट फाइव परसेंट पानी का बना हुआ है तो पानी भी हमें खाने से प्राप्त होता है खाने से हमें पानी भी मिलता है अब हम देखते हैं कि जो बेसिस है किस प्रकार से ऑर्गेनिज़म्स खाना प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम उन्हें कैटेगराइज़ कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स में और हेट्रोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स वो होते हैं जो खाना अपना स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो एनवायरमेंट से मिलते हैं उनको और उनको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं आगे सब डिवाइड कर सकते हैं फोटो ऑटोट्राफ्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में फ़ोटो ऑटोट्राफ्ट वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो सन की एनर्जी या सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन और ऑक्साइड और वाटर की सहायता से अपना स्वयं खाना बनाते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्रोटोज़ोन्स में जैसे यूगलिना है वॉलवॉक्स है ये भी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं तो ये प्लांट लाइक न्यूट्रिशन जो होता है उसे फाइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं फिर है कीमोटोट्रॉफ्स, ये वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं आ, उनके ऑक्सीडेशन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और उसे फिर एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज़ करते हैं जैसे अमोनिया नाइट्राइट हाइड्रोजन सल्फाइड मोलिकुलर हाइड्रोजन को ये यूटिलाइज करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए और इनके एग्ज़ैम्पल है जैसे आयरन बैक्टीरिया है सल्फ़र बैक्टीरिया है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फिर हैं हीट्रोट्रॉप्स हीट्रोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो स्वयं अपना खाना नहीं बना सकते परंतु ये ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स ये ओप्टेन करते हैं दूसरे सोर्सेस से जो पहले से बने हुए हैं जैसे कि हिट्रोट्रॉफ्स को हम डिवाइड कर सकते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इंजेस्ट करते हैं जो दूसरों के द्वारा बनाए गए हैं और इसके बेसिस पर फूड सोर्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं हर्बीवोर्स कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं हरबीवोर्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली कंज्यूम करते हैं और कार्नीवोर्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा खाते हैं एनर्जी सोर्स के लिए और तीसरा है उर्नीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करते हैं फिर हम आते हैं इसमें सेप्रोफिटिक या सेप्रोफोफोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें अगर हम देखें तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो डेड डिकिंग मैटर पर ये फीड करते हैं और डेड डिकिंग मैटर से ये एनर्जी डिराइव करते हैं यहाँ पर तो जैसे कि हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में फंजाई है माइक्रोब्स हैं प्रोटोजोन्स हैं फिर है पैरासिटिक ऑर्गेनिज़म्स जो कि एक्सटर्नली या इंटरनली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं और ऐसे पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं जैसे कि लीच एक्टोपैरासाइट है टेपा एंडोपैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो है वो भी एंडोपैरासाइट है तो नेक्स्ट हम इसमें लेंगे इसके फीडिंग मकैनिज़्म तो एनिमल्स जो होते हैं उनका पर्टिकुलर फ़ूड का एक प्रेफरेंस होता है पर्टिकुलर टाइप का फूड खाते हैं और ये फूड प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि वो किस जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और उसी के आधार पर वो उनका फूड का सिलेक्शन होता है और अकॉर्डिंगली उनका फ़ीडिंग मैकेज्म भी होता है तो हम फूड एंड फीडिंग मैकेानिज़्म यहाँ देखेंगे तो पहला है सॉलेबल फ़ूड इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि सॉलेबल फॉर्म में पानी में या बॉडी फ्लूड्स में पाए जाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वह हैं टेवम लेवर फ्लूक एंटामीबा बैलेंटीडियम जो कि डायरेक्टली ये सॉलेबल फ़ूड को एब्जॉर्ब करते हैं फिर होते पार्टिकुलेट फूड तो पार्टिकुलेट फूड तो इस कैटेगरी में ऑर्गेनिक डेट्राइटस ग्रैन्यूल्स आते हैं डेड प्लेंटोनिक सेल्स आते हैं लिविंग प्लेंटॉन्स आते हैं डाइटम्स हैं फ्लैजिलेट्स हैं बैक्टीरिया हैं ये जो होते हैं ये आते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो इनका इंजेक्शन जो होता है इनका फीडिंग मैकेनिज़्म होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है ऑर्गेनिज्म में जैसे कि सूडोपोडियल फीडिंग जो राइजोपोड्स में देख सकते हैं हम अमीबा है पॉलीस्टोमेला है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशनस होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके द्वारा वो जो पार्टिकुलेट मैटर रहता होता है उसके आसपास एक फूड कप बना लेते हैं और उसको एनगल्फ कर लेते हैं दूसरा है म्यूकोइड फीडिंग म्यूकोइड फीडिंग में एनिमल क्या करता है एक स्टिकी सब्सटेंस से म्यूकस सिक्रीट करता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो म्यूकस में एंट्रैप करके और उनको इंजेस्ट कर लेता है जैसे ये इसका एग्जाम्पल है ट्यूबिकोलस वर्म्स एनालीड्स हैं हेमिकॉर्डेट्स हैं कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं सीलेंट्रेट्स हैं यूरोडेट्स हैं ब्रेंक्योस्टोमा जिसकी फेरिंग्स में ये म्यूकस सिक्रीट होता है और म्यूकस के द्वारा ही वो एलिमेंट्री किनाल में फूड पार्टिकल्स पहुँचते हैं फिर सीलियर फ्लैजुलर फीडिंग इसमें सीलिएट्स एंड फ्लैजलीट्स आते हैं जैसे पैरामीशियम में यूगलिना जो अपने सीलिया और फ्लैजुला के द्वारा एक पानी में करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके द्वारा पानी के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके फूड अपैरिटिस में फीडिंग अपार्टिस में अपने आप पहुँच जाते हैं सिसाइल जो स्पॉन्जेज होते हैं एनेलिड्स होते हैं गैस्ट्रोपोर्ड्स होते हैं उनमें भी सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग होता है हर्डमैनिया ब्रैंक्योस्टो स्टोमा में भी सिलियरी फीडिंग मैकेनिज़्म इसमें देखा गया है जो वाटर करंट के द्वारा पानी के साथ डायरेक्ट करते हैं फूड को माउथ की तरफ फिर है टेंटिक्यूलर टाइप ऑफ फीडिंग टेंटिकल्स जो होते हैं इस प्रकार की फीडिंग सीलिट्रेट्स और कॉलोथरियंस में देखी गई है और सीलिनट्रेट्स जैसे हाइड्रा और ओबिलिया में टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनमें निमेटोसिस होते हैं और उनके द्वारा ये एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और हॉलोथुरस में भी इसी प्रकार से सीलेटेड टेंटिकल्स पाए जाते हैं मस्कुलर फीडिंग बॉडी के पेरिस्टाल्टिक या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट की वजह से जो पानी में वाटर करेंट प्रोड्यूस होता है उससे खाना बॉडी में सॉरी फूड ट्रैक्ट में आता है जैसे जेली फिशेज हैं और मोला मेड्यूसा है कि टॉपटेरस में इस प्रकार की फीडिंग मैकेनिज़्म देखा गया है फिर है फ्लू फूड मासेस ये बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स पे जब एनिमल फीड करते हैं एनगल्फ करते हैं तो मोड ऑफ फीडिंग जो है वो होती सॉल्विंग जैसे कि मड होता है मिट्टी में जो वर्म्स uh, होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर फीड करता है जो अर्थ वर्म और हॉलोथुरियनज में देखा जाता है और बको फेरेंजियल रीजन के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है स्क्रेपिंग एंड बोरिंग मूवमेंट्स ये हम देख सकते हैं जैसे रेड्यूला पायला में पाया जाता है वो खुरच खुरच के खा सकता है और इसी प्रकार से हम माउथ uh, पार्ट्स जो होते हैं टर्माइट्स के वो बोरिंग एक्शन उनमें होता है प्रे फीडिंग भी होती है जिस प्रकार से एनिमल जो होता है वो दूसरे एनिमल्स को हंट करता है या कैप्चर कर लेता है अपनी से सूडोपोडिया टेंटिकल्स के द्वारा और फिर उनको च्यू कर सकता है मेस्टिकेट कर सकता है रेडियुलर टीथ जॉज और मैंडेबल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे एनिमल्स में फिर है यहाँ पर फ्लूड फूड एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लूड मटीरियल लिक्विड फूड पर फीड करते हैं जैसे नेक्टर फ्लावर्स से है या ब्लड और इनके लिए इनमें स्पेशल टाइप के फीडिंग ऑर्गन्स या होते हैं जैसे कि कुछ में सकर्स होते हैं जैसे हम लेबो फ्लूक में देखें सेक्टोरियल ऑर्गन्स होते हैं हनी भी या फ्लाइज़ में प्रोबोसिस होती है जैसे कि मॉस्किटो में हम देख सकते हैं सक करने के लिए लीच में सकर्स होते हैं और कुछ एनिमल्स इस लिक्विड फ्लूड फूड को अपने जनरल बॉडी सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जैसे कि मोनोसिस्टिस डेवर्म और सेक्यूलाइना नेक्स्ट क्लास में हम ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे